Assalamualaikum, my YouTube channel, watching of the full video and subscribe my channel, thank you. आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन डिज़ाइन और बेहतरीन आइडियाज लाया हूँ. ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन और आइडियाज और सफ़ेद बेडरूम के ख्यालात, हैरत अंगेज स्याह फर्नीचर और स्याह फ्रेम वाले आर्ट वर्क, इस सादा आरामदा बेडरूम के तमाम सफ़ेद दीवारों के खिलाफ खड़े हैं. नए साफ़ शुदा लकड़ी के फ्रेश और कदीम फारसी कालीन में पाए जाने वाले गुलाब सोने के शेड एक रंगी पेलेट को गर्मा देते हैं. सोने के कमरे में स्याह के खिलाफ स्याह डालना एक जुर्रतमंदाना डिज़ाइन अकदाम है, लेकिन नतायज हैरत अंगेज तौर पर सुकून बख्श हैं. रोशनी को जज़ब करने वाले धुंधला पेंट के ज़रिए तख्लीक करदा घार जैसा माहौल गहरी नींद को सहारा देने की सलाहियत रखता है. स्याह और सफ़ेद मरकज मज़कर और मुअन्नस तारीख और रोशनी, इन दो मुखालिफ अनासिर के दरमियान तवाज़न तलाश करना एक डिज़ाइन कहानी है. जितनी पुरानी इस तेज़ बेडरूम में डिज़ाइनर एरिका जेम्स मसूर इमंदा मिकमोरन की इंतहाई सनाई पेंटिंग को नाकाम बनाने के लिए सख्त स्याह सनाती दीवारों का इस्तेमाल करती है. ब्लैक एंड वाइट बेडरूम डिज़ाइन के इम्कानात को तलाश करते वक्त याद रखें, हमारी सोच का स्याह और सफ़ेद होना ज़रूरी नहीं है. सफ़ेद करीम रंग का बिस्तर या सफ़ेद बलूत की दीवार की पिनलिंग हो सकती है और स्याह दीवार के बड़े आर्ट के टुकड़े में पाए जाने वाले गहरे साए का पेच वर्क हो सकता है. रात का आसमां एक मुस्तकिल इल्हाम का ज़रिया है, लिहाजा इस हैरत के एहसास को बच्चे के स्याह और सफ़ेद बेडरूम में लाना ज़हानत का एक चटका था. डिज़ाइनर आयाना एगस्टीन और उसके शोहर सेबास्टीन क्लोवस ने बाकी जगह को साफ़ सुथरा और स्याह सादा रखा ताकि इन सितारों को चमकने दिया जाए. बोल्ड बड़े साइज़ का फ़ान प्रिंट कालीन इस पुरताइश बेडरूम का मरकज़ है, लेकिन ये स्याह और सफ़ेद अनासिर हैं जो उसे जगह पर हावी होने से रोकते हैं. स्याह ऊपर बेड एल कुवो का इजाफा दीवार के हल्के इलाज को तोड़ देता है और कीमती ज़ाती अशिया के लिए एक घर फराहम करता है. ये स्याह और सफ़ेद बेडरूम डिज़ाइन सफ़ेद पीनल वाली दीवार को तोड़ने के लिए स्याह फ्रेम वाले बिस्तर के तेज़ बिल्कुल मुरब्बा कोनों और वॉल आर्ट का इस्तेमाल ने इस डिकोर करता है. ओटावा में मुकीम कोंडो को 1990 की तहाई का मॉडल लाइफ लग दिया. जब डिज़ाइनर ने इस स्याह और सफ़ेद बेडरूम को डिज़ाइन किया तो उन्हें बहुत कम मालूम था कि ये इंटरनेट के दो रुझानात की मुलाकात होगी. मोटी है जबकि स्याह फाकिस फरथरो चोटी ब्लैक एंड वाइट विंस चेक डिवीट सीट हतमी है. गरम सुनहरी लकड़ी और इस वासेदार शैलेट तर्ज की स्याह और सफ़ेद बेडरूम में कलर पैलेट के तीसरे टोन के तौर पर काम करती है. नरम थरो तकियों की तह मोटी ट्यूटर्ड कालीन और लकड़ी के अनासिर की भारीपन जगह के पुरतायुश एहसास में इजाफा करती है. जब छोटी जगहों को डिज़ाइन करने की बात आती है तो स्याह के साथ मोल्ड होने में शर्म महसूस न करें. एक धुंधला स्याह पिछली दीवार दर असल कमरे के आखिर में आंखों ठोस तीस देकर इजाफी मुरब्बा फुटेज का एहसास पैदा करती है. यहाँ हम सफ़ेद अफकी जहाज़ के तख्ते को
عمودی کھانے اور لکڑی کے سلیٹس سے متضاد دکھاتے ہیں. یہ ان دو قسم کے پینلنگ کے درمیان تناسب اور لہجے کا کھیل ہے جو اس واضح دار بیڈ روم ڈیزائن کا مرکز ہے. گلیمر چیک کریں. ڈراما جی ہاں, عائش و آرام بالکل اپنے قدیم لکڑی کے بستر, موڈی گلاب وال پیپر اور آرمیئر کے ساتھ. یہ سیاہ اور سفید کی صلاحیت کے ساتھ کھل بیڈ روم رہا ہے. خاموش فطرت سے متاثر سیاہ میں لہجے کی دیوار کو شامل کرنا ہے, جیسے یہ دولدار بابا سیاہ اور سفید بیڈ روم میں کچھ مطلوبہ نرمی کا اضافہ کر سکتا ہے. گرم بھورے اور سنہری لہجے یک رنگی